कलर्स टीवी के अपकमिंग सुपरनेचुरल फैंटेसी शो नागिन सीजन 7 पर निकल कर के यह बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज। बिग बॉस 17 की इस कंटेस्टेंट को अप्रोच किया गया है नागिन 7 के लिए। तो कौन है ये एक्ट्रेस, इस शो में वो कौन से रोल में नजर आ सकती है, आगे इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जब से कलर्स टीवी के शो नागिन 6 ऑफियर हुआ है उसके बाद से ही नागिन 7 के सर से सरों तरफ चल रही है। उसने पहले खबर ये निकल कर आया था जो नागिन 7 है वो शुरू होने वाली है फेब में, लेकिन अभी तो फेब्रुअरी चल रहा है लेकिन नागिन 7 का कुछ भी आता पता नहीं है। पहले ये भी खबर निकल कर आया था कि बिग बॉस सीजन 17 के मंथ पर ही हमें नागिन सीजन 7 का प्रोमो भी देखने को मिलेगा। टेलीविजन के बहुत सारे एक्ट्रेसों के नाम निकल कर आ रहे थे कि वो ही हमें नागिन 7 में देखने को मिलेंगे, लेकिन अब तक ऑफिशियली कुछ भी कंफर्मेशन निकल कर नहीं आया है। उसके साथ ही फिर से नई स्टारों के नाम निकल कर आई है कि नागिन 7 के लिए उनको अप्रोच किया गया है। पहला जो एक्ट्रेस है वो है जी टीवी के शो पवित्र रिश्ता फेम अंकिता लोखंडे, जिनको हमने कुछ समय पहले देखा था कलर्स टीवी के शो बिग बॉस सीजन 17 में। बिग बॉस सीजन 17 में अंकिता लोखंडे को फैंस ने बहुत ही ज्यादा पसंद किया था और सोर्सेस से ये खबर निकल कर आई है उनको नागिन 7 के लिए अप्रोच किया गया है। उनके साथ ही बिग बॉस सीजन 16 की कंटेस्टेंट अंकित गुप्ता के नाम भी निकल कर आई है कि उनको भी नागिन 7 के लिए अप्रोच किया गया है। बिग बॉस सीजन 17 के कंटेस्टेंट अभिषेक कुमार का नाम भी निकल कर आई है कि उनको भी नागिन 7 के नाग के रोल के लिए अप्रोच किया गया है। लेकिन ये जो न्यूज है वो अभी कन्फर्म नहीं है क्योंकि नागिन 7 पर एकता कपूर जी ने अब तक कोई भी ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन नहीं दिया है। उन्होंने सिर्फ नागिन 6 के जब अंत होने वाला था तभी बताया था कि नागिन 7 2024 में शुरू होने वाला है, लेकिन कब शुरू होने वाला है उन्होंने नहीं बताया है। जब नागिन 7 का जो फर्स्ट प्रोमो है वो हमें जून या मई में देखने को मिल सकता है, ऐसे खबरें चारों तरफ चल रही है। नागिन 7 के लिए फैंस बहुत सारे टेलीविजन के एक्ट्रेसों के नाम सजेस्ट कर रहे थे। कुछ समय पहले नाम निकल कर आया था रिधिमा पंडित का, उससे पहले प्रियंका सेहर चौधरी का नाम भी सबसे ऊपर देखने को मिल रहा है। तो नागिन 7 के लिए आप कितना ज्यादा एक्साइटेड है, आप टेलीविजन के किस एक्ट्रेस को नागिन के रोल में देखना चाहते हैं कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा। अगर वीडियो देखने में अच्छा लगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसे नए अपडेट्स के लिए देखते रहिए एंटरटेनमेंट की बात, जहाँ पर हम देते हैं एंटरटेनमेंट से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले।